نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاء رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنين فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد کریمہ میں جو آج پڑھی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعے کا تذکرہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور انبیاء علیہ السلام کے زمرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت خاص اہمیت کی حامل ہے. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت دنیا میں تشریف لائے تو سب ان کے مخالف, کہ حکومت وقت ان کی مخالف ہے اور رعیت مخالف ہے, خاندان والے مخالف ہیں, حتیٰ کہ اپنا باپ اپنا مخالف ہے. اور حق تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ہی سخت اور کڑے امتحانوں سے گزارا, اور وہ ہر آزمائش اور امتحان میں پورے اترے ہیں, کامیاب ہوئے ہیں. تو پھر حق تعالی نے ان کو سب لوگوں کا امام, مقتدا اور پیشوا بنا دیا.
तो दुनिया से रुखसत होने के बाद अब दुनिया में उनका कोई मुखालिफ नहीं। यहूदियों से आप पूछिए तो यहूद यही कहेंगे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे बड़े, और वो हमारे मुक्तदा और पेशवा, और हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके पर हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो यहूदी थे, और आप नसारा से पूछिए तो वो भी यही कहेंगे हमारे बड़े, हमारे इमाम और पेशवा, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो नसरानी थे, ईसाई थे। और मुशरिकीन मक्का से पूछिए तो वो कहेंगे दोनों झूठे, अरे वो तो हमारे बड़े थे। और दर हकीकत दीन इब्राहिमी पर तो हम हैं, इसलिए कि बैतुल्लाह का तवाफ हम करते हैं, हज हम करते हैं, कुर्बानी हम करते हैं, और ये सब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतें हैं, उन्होंने जारी किया है, लिहाजा हम दीन इब्राहिमी पर हैं। तो हक ताला ने पहले ही फरमाया कि इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, कि मैं आपको तमाम लोगों का इमाम, मुक्तदा और पेशवा बनाऊंगा। और अल्लाह ने ऐसा बनाया कि यहूद तादीम करते हैं, नसारा तादीम करते हैं, मुशरिकीन मक्का तादीम करते हैं, और मुसलमान तो करते ही हैं। तो अब दुनिया में उनका कोई मुखालिफ नहीं, और सबके बड़े इमाम और पेशवा, लेकिन ये मर्तबा बहुत ही सख्त इम्तिहानों से गुजरने के बाद मिला है कि दुनिया में तशरीफ लाए तो तन्हे तन्हा है, बिल्कुल अकेले, और सब मुखालिफ हैं। हुकूमत वक्त और नमरूद मुखालिफ, और सारी रियाया मुखालिफ, खानदान वाले मुखालिफ, अपना बाप अपना मुखालिफ, मुआफिक तो कोई है ही नहीं, बस अल्लाह के भरोसे पर खड़े हो गए कि अल्लाह की नुसरत और अल्लाह की मदद पीछे है। और बज़ाहिर कोई मुआफिक नहीं है, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसी से घबराए नहीं कि मेरे सब मुखालिफ हैं। तो अल्लाह ने जो दावत देकर उनको भेजा वो दावत सब तक पहुंचाई, नमरूद को भी पहुंचे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे भी मुबाहिसा किया कि अलम तर इलल लजी हाज इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहु अल्लाहुल मुल्क, क्या आपने देखा कि जिसने बहस की हुज्जत की हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनके रब के बारे में, इसलिए कि अल्लाह ने उसको हुकूमत दी थी, सल्तनत दी थी, तो नमरूद को अल्लाह ताला ने हुकूमत दी, सारी दुनिया पर हुकूमत दी। तो दुनिया में चार ही बादशाह हुए हैं कि जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, दो मुसलमान दो काफिर।
तो आप पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला काफिर बादशाह एक तो नमरूद है और दूसरे बुख्ते नसर, और जिन दो मुसलमानों ने हुकूमत की उनमें से एक हजरत ज़ुल्करनैन और दूसरे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो अन आताहुल्लाहुल मुल्क, अल्लाह ताला ने उसको हुकूमत दी, पूरी दुनिया पर हुकूमत दी, दौलत दी। तो उसका तकब्बुर इतना बढ़ा बजाय इसके कि अल्लाह का एहसान मानता कि अल्लाह ने हुकूमत दी है, दौलत दी है, अल्लाह का शुक्र अदा करता। लेकिन तकब्बुर इतना बढ़ा कि अल्लाह के वजूद का इनकार कर दिया और अपनी खुदाई का दावा किया कि मैं खुदा हूं। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछता है कि तुम्हारा रब कौन, कि सबका रब तो मैं हूं और तुम्हारा रब कौन है। तो इज़ क़ाला इब्राहिम रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब वो है कि जो जिंदा करता है और मारता है, इहया और इमादत उसकी शान है, जिंदा करना और वफात देना ये मेरे रब की शान है, आदम से वजूद में ले आना और वजूद से फना की तरफ ले जाना ये मेरे रब की शान है। कि रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, कि मेरा रब वो है कि जो जिंदा करता है मारता है। तो जब नमरूद ने सुना तो कहा कि अना युहयी व युमीत, कि ये काम तो मैं भी करता हूं, मैं भी जिंदा करता हूं, मैं भी मारता हूं। तो अब जेल खाने से एक मुजरिम को बुलवाया कि जिसको सजाए मौत होने वाली थी, तो जेल खाने से एक ऐसे मुजरिम और कैदी को बुलाया कि सजाए मौत उसको दी जाने वाली है। जब वो सामने आया तो कहा कि जा मैंने छोड़ दिया, मौत कर दिया, कि देखो ये मौत का मुस्तहिक था, मैंने जिंदा किया। और एक बेचारा मुसाफिर राहगीर जा रहा है, उसको पकड़ के बुलवा लिया और जल्लाद को हुक्म दिया कि इसका सर कलम कर दिया जाए। और जल्लाद ने उसकी गर्दन उड़ा दी, कहा देखा ये जिंदगी का मुस्तहिक था, मैंने मार दिया, लिहाजा ये काम तो मैं भी करता हूं, जिंदा करता हूं, मरता हूं। अना वही व उम्मीद, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये तो बहुत ही अहमक है। इहया और इमादत के माने ही नहीं जानता। तो वो जो कैदी जिसको सजाए मौत दी जाने वाली थी वो तो जिंदा था, उसको छोड़ दिया, इसका नाम जिंदा करना थोड़ा ही है। हाँ, जिसको कत्ल कर दिया उसको जिंदा करके बतलाए। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उससे इस दलील में उलझे नहीं कि ये इहया और इमादत कहां हुआ, ये जिंदा करना और मारना कहां हुआ। फौरन दूसरी दलील पेश कर दी कि قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب। कि हक सुभानहु व तआला तो वो है कि जो रोजाना सूरज को मशरिक से तुलू फरमाते, और वाकई अगर तू खुदा है
तो बस एक दिन सूरज को बजाय मशरक के बजाय पूरब के पश्चिम से निकाल के बता कि फइन्नल्लाहा याती बिश्शम्स मिनल मशरिक फाति बिहा मिनल मगरिब, लिहाजा तू एक ही दिन बजाय मशरिक के मगरिब से निकालकर बतला दे। फमुहितल्लज़ी कफर, तो वो काफिर लाजवाब हो गया, मबूत होकर रह गया, कोई जवाब ही बन नहीं पड़ा इस दलील का। ये दलील अब कहां से लाएगा, उसके इख्तियार में तो नहीं कि सूरज को मगरिब से तुलू करे। तो अच्छा यूं क्यों नहीं कह दिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कि अच्छा तुम्हारा खुदा ही ऐसा करके दिखला दे। तो अगर नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये कहता कि अच्छा तुम ही अल्लाह से कहो और अल्लाह ताला ही ऐसा करके दिखला दे, तो नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये जवाब क्यों नहीं दिया कि अच्छा तुम ही अपने खुदा से कहो और वो ही ऐसा करके दिखला दे। तो अब नमरूद के दिल में बिला इख्तियार ये बात आ गई कि हक सुबहानहू व तआला का वजूद है और ये पूरी कायनात उसी ने बनाई है और ये सूरज भी उसी का बनाया हुआ है, वो सूरज का खालिक है और वही सूरज को गर्दिश देने वाला है। तो सूरज को गर्दिश देने वाले अल्लाह ताला है और जब अल्लाह ताला मशरिक से मगरिब की तरफ सूरज को रोजाना ले जाते हैं तो वो उल्टा लाने पर भी कादिर, ये जो गाड़ी सीधी चला सकता है वो रिवर्स भी कर सकता है। उसके दिल में ये बात बिला इख्तियार आ गई कि ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है और अगर मैंने कहा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ताला ऐसा करके बतला देंगे, और अगर ऐसा हो गया कि सूरज मगरिब से तुलू हुआ तो दुनिया में एक इंकलाब अजीम पैदा हो जाएगा, और कहीं ऐसा ना हो कि जो मेरी रायत है मेरी पब्लिक है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये मौजजा देखकर सब ईमान ले आए और फिर मुझको कुर्सी से चलता कर दे। तो ऐसी बात कहो कहे को कि उल्टा लेने के देने पड़े, तो इसलिए वो खामोश, आखिर बड़ा नेता था तो इसलिए उसने कहा खामोशी में ही बेहतर आई है कि फबुहितल्लज़ी कफर, तो वो काफिर मबहूत होकर रह गया लाजवाब खामोश। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बादशाह से घबराए नहीं, हालांकि पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहा था, जाकर उसको तौहीद की दावत पेश की और कौम से भी नहीं घबराए, सारी रायत और पब्लिक से नहीं घबराए, बल्कि पूछा कि मा हाज़िहि तमासीनुल्लती अंतुम लहा आकिफून, कि ये मूर्तियां कैसी हैं कि जिनके सामने तुम सारे दिन जमे बैठे रहते हो, आखिर इनकी हकीकत क्या है, ये किस तरह से माबूद हो गए, क्या दलील है। قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ, तो दलील तो कोई थी नहीं, कहा हमने अपने बड़ों को बाप दादाओं को ऐसे ही करते हुए पाया है और हमेशा अहले बातिल के पास यही दलील है। क्या आप पूछिए कि अरे भाई ऐसा क्यों करते हो, अरे ये तो ऊपर से होता चला है, ये तो हमारे खानदान में ऊपर से होता चला आया है, हमारे बाप करते थे दादा करते थे, ये तो ऊपर से चला आ रहा है।
तो ये जितनी भी अकवाम हुई है सब ने अपने अपने पैगंबरों को यही दलील पेश की है कि वजदना आबाना कज़ालिक यफ़अलू, कि हमने अपने बड़ों को और अपने बाप दादाओं को ऐसे ही करते हुए पाया। ये तो हमारे खानदान में ऊपर से चला आ रहा है, और हमारे जो बड़े थे वो कोई अहमक थोड़े ही थे, बड़े समझदार थे, लिहाजा वो जो कुछ भी करते थे वो सही करते थे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम और तुम्हारे बड़े सब गुमराह थे, तुम्हारे बड़े बड़े बेवकूफ थे। तो अब कौम के अंदर मेला होने वाला था, कौम का मेला, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दावत पेश कर दी कि आप हमारे साथ चलिए, हमारे मेले में चलिए, हमारे साथ यात्रा में, और फिर हमारे माबूदों का जरा जश्न देखिए। तो वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास दावत ले आए, शिरकत की दावत, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें शिरकत करनी नहीं है, उनके उस मेले में जाना ही नहीं है। तो बहरहाल कोई ना कोई उज़्र तो पेश करना ही होगा। रात में ये दावत लेकर आए थे कि हमारे साथ चलिए। तो فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सितारों में एक निगाह डाली और फरमाया कि मैं आलील हूं, मेरी तबीयत जरा नासाज चल रही है, मैं शिरकत नहीं कर सकता। तो ये उज़्र पेश कर दिया कि मैं मेरी तबीयत जरा आलील है, बीमार हूं, इसलिए मैं शरीक नहीं हो सकता, नहीं गए। और वो जो कौम है वो तो पूरी कौम जा रही है, मेले में जा रहे हैं, और यहां शहर में जो उनका बुत कदा है और उसमें बेशुमार बुत है, तो वो किस्म किस्म के खाने और शरबत रख कर गए थे अपने उन माबूदों के सामने। खाने तरह तरह के खाने हैं, शरबत हैं, वो रखकर मेले में गए कि जब वहां से वापस लौटेंगे तो अब ये जो खाने रखे होंगे, शरबत रखे होंगे अपने माबूदों के सामने, ये सब तबर्रुक हो जाएगा, वो फातिहा पढ़ देंगे इस पर, तो ये सब तबर्रुक हो जाएगा। तो बहरहाल वो रखकर चले गए। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आहिस्ता से कहा कि तल्लाहि लाकीदन्न असनामकुम बादन तुवल्लू मुदबिरीन, कि जरा तुम यहां से जाओ तो सही, तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारे माबूदों के साथ एक खुफिया तदबीर करने जा रहा हूं, कुछ करूंगा तुम, लेकिन तुम जरा यहां से हटो तो सही। तल्लाहि लाकीदन्न असनामकुम, कि मैं तुम्हारे इन बुतों के साथ एक खुफिया चाल चलने वाला हूं, लेकिन तुम जरा यहां से चल दो। आहिस्ता से कहा था, तो वो कौम के अंदर जो बूढ़े पीछे थे पीछे पीछे उन्होंने सुन लिया, तो वो चंद एक ज़ईफ लोग सुन पाए, बाकी लोगों ने सुना नहीं। और वो लोग तो इस भरोसे पर कि अकेले ये क्या बिगाड़ सकते हैं, ये तो वह महज धमकी है, कुछ करने वाले नहीं है, तो इसलिए खास ध्यान दिया नहीं और रवाना हो गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुल्हाड़ी ले गए और पहुंचे,
वहां बुद्ध कैदे में पहुंचे और देखा कि ओ हो किस्म किस्म के खाने रखे हैं, शरबत रखे। तो फरमाया कि मालकुम ला ताकुलून, क्या रे तुम खाते क्यों नहीं हो? अरे अहमको, खाते क्यों नहीं? कितने अच्छे अच्छे खाने रखे हैं, शरबत रखे हैं, खाते क्यों नहीं, पीते क्यों नहीं? लेकिन कोई जवाब ही नहीं आया। तो फरमाया कि मालकुम ला तन्तिकून, अरे तुम्हें क्या हुआ कि तुम बोलते क्यों नहीं, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? उसका भी कोई जवाब नहीं। तो फराग अलैहिम दरबम बिल यमीन, दाहने हाथ की मार चलाई, हाथ में कुल्हाड़ी थी और दाहने हाथ की मार चलाई पूरी कुव्वत के साथ। तो फजअलहुम जुजाजन इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम इलैही यरजिउन, तो वो जितने उनके सब के टुकड़े टुकड़े कर दिए, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी की गर्दन तोड़ दी, किसी के पैर तोड़ दिए, लेकिन जो उनका बड़ा महाराज था, मुमकिन है कि जुस्से के एतबार से बड़ा हो और मुमकिन है कि उनके अकीदे के एतबार से बड़ा हो, बल्कि जो जाहिर परस्त होते हैं वो तो जाहिर को ही देखते हैं कि जो जुस्से के एतबार से बड़ा वही उनके अकीदे में बड़ा, कि जो जिस्मानी एतबार जितना बड़ा होगा वो उतने अकीदे में बड़ा। तो वो जो बड़ा महाराज था उसको छोड़ दिया, बल्कि जो कुल्हाड़ी वो भी उसके कांधे पर लटका दी। तो फजअलहुम जुजाजन इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम इलैही यरजिउन, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए सिवाय उनके बड़े के, लअल्लहुम इलैही यरजिउन, ताकि वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ लौटें, सवाल करें और वो जवाब दे। और मुमकिन है कि इलैही की जमीर उस बड़े की तरफ हो, कि ताकि वो उस बड़े की तरफ लौटें कि ये क्यों सही सालिम, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस महाराज को गुस्सा आ गया हो कि जब मैं यहां बड़ा मौजूद तो छोटों को क्यों पूजते हैं, इसने मार चलाई। और हो सकता है कि अल्लाह की तरफ जमीर लौटती हो, लअल्लहुम इलैही यरजिउन, ताकि वो अल्लाह की तौहीद की तरफ लौटे, लअल्लहुम इलैही यरजिउन। बहरहाल जब उनकी वापसी हुई और वो अपने सनम कदे में पहुंचे इस ख्याल से कि जो खाने और शरबत रख कर गए थे वो सब तबर्रुक बन चुके होंगे, वहां से जाकर ले आए। तो अब जो वहां पहुंचे हैं तो वो भयानक मंजर सामने आया है कि साहब सब टुकड़े टुकड़े हैं, किसी की गर्दन गायब, किसी के हाथ गायब, किसी के पैर टूटे हुए, किसी की दुम टूटी हुई। तो अब वो पूछते हैं मन फअल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़्ज़ालिमीन, कि हमारे इन माबूदों के साथ ये हरकत किसने की, वो बड़ा जालिम है, ऐसा करने वाला कौन है? इसने का अक्सरियत को तो मालूम था नहीं कि भाई ये किसने किया होगा, तो इसलिए वो सवाल कर रहे हैं कि मन फअल हाज़ा बिआलिहतिना, हमारे इन माबूदों के साथ ये हरकत किसने की, बड़ा जालिम मालूम होता है। तो वही बूढ़े ज़ईफ लोग जो पीछे रह गए थे, उन्होंने मुखबिरी की और कहा कि قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم, कि हमने एक नौजवान को सुना कि वो हमारे इन माबूदों का बुराई से तज़किरा कर रहा था,
कि जिसको इब्राहिम कहते हैं, वो उससे हमने सुना है कि वो ये कह रहा था कि जरा जाओ तो सही और मैं इनकी क्या गत बनाता हूं। قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون, तो वो कहने लगे कि बुलाओ इब्राहिम को बुलाओ और हमारे सामने लाओ और ताकि वो अपने इस जुर्म का एतराफ कर ले और फिर तुम गवाह हो के देखो उन्होंने अपने जुर्म का एतराफ किया और फिर जो उनको सजा दी जाए तो उस पर किसी को इश्काल ना हो। तो قالوا فأتوا به على أعين الناس, कि लोगों के सामने लाओ और वो यहां आए और हम उनसे सवाल करेंगे पूछेंगे और अगर वो एतराफ कर लेंगे तुम सब गवाह रहना कि इस जुर्म के मुर्तकिब वो हुए। तो उनको भी ये ख्याल है कि झूठा इल्जाम न लगाए जाए। और आजकल तो उसकी भी परवाह नहीं है कि हां उनको बुलाओ पूछो, अगर वो एतराफ कर लेंगे इकरार कर लेंगे तो वाकयातन वो मुजरिम और तुम गवाह रहना कि वो मुजरिम, फिर उनको सजा दी जाए। खैर बहरहाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, वो आए तो आप ये पूछते हैं أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ, क्या इब्राहिम ये हरकत तुमने की है हमारे माबूदों के साथ, ये हमारे माबूदों की दुर्गत तुमने बनाई, तो ये सवाल किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون, क्या रे भाई ये काम किया है जिसने भी किया है, ये काम किया है जिसने भी किया है, बड़ा तो इनका ये है और इन्हीं से पूछ लो ना कि जिनके हाथ पैर टूटे हैं इन्हीं से पूछो कि तुम्हारे हाथ किसने तोड़े तुम्हारे पैर किसने तोड़े, अगर ये बोलते इनसे ही पूछो मुझसे क्यों पूछते हो। तो قال بل فعله كبيرهم هذا, तो قال بل فعله पर छोटी सी आयत बनी हुई है और वो इसलिए कि यहां फाइल महजूफ है, ये भी एक तावील है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहना चाहते قال بل فعله من فعله, कि भाई ये काम किया जिसने भी किया मुझसे क्यों सवाल करते हो। كبيرهم هذا, इनका बड़ा तो ये मौजूद, فاسألوهم إن كانوا ينطقون, और अगर ये बोलते हैं तो तुम इन्हीं से पूछो जिनके हाथ टूट गए, अरे भाई तेरा हाथ किसने तोड़ा, जिसका पैर टूटा हुआ उसको पूछो, अरे तेरा पैर कौन तोड़ गया, जिसकी दुम उड़ गई उसको पूछो कि तेरी दुम किसने उड़ाई, मुझसे काहे को सवाल करते हो। فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون, तो वो अपनी तरफ लौटे और कहने लगे तुम ही जालिम हो कसूरवार हो और ऐसों को पूछते हो कि जो तोड़वा ले, अपने आप को तोड़वा ले और तोड़ने वाले का नाम भी न बता सके, ऐसे को पूछकर कसूरवार तो हम हैं। लेकिन सुम मनु किसु आला रूसिहिम लकद आलिम तमाहा उलाई अंतिकोन, और फिर उन्होंने अपनी गर्दनें झुकाई और कहने लगे इब्राहिम तुम तो जानते ही हो कि ये हमारे महाराज बोलते नहीं है, कि माहा उलाई अंतिकोन, कि तुम्हें जो खबर है कि ये बोलते ही कहां है, ये बोलते बोलते नहीं है। और फिर आपस में कहने लगे
कि قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाओ और अपने माबूदों की नुसरत करो, मदद करो अगर तुमको कुछ करना है। कि चाहे ये हमारे माबूद अपने आप को तोड़वा लें और तोड़ने वाले का नाम भी न बता सकें, लेकिन इब्राहिम ने बड़े जुर्म का इर्तिकाब किया है कि हमारे माबूदों को तोड़ रहा है। तो इनसे ये बहुत बड़ा जुर्म हुआ है, बड़ी सजा देनी चाहिए, लिहाजा इनको जलाओ, आग में डाल दो। और वंसुरु आलिहतकुम, और अपने ठाकुरों की मदद करो। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि झूठे खुदाओं की पहचान ये कि बंदे उसकी मदद करते, और सच्चा माबूद वो होता है कि जो अपने बंदों की मदद करता है। अल्लाह अपने बंदों की मदद करते हैं और जो बंदे हैं वो अपने झूठे माबूद की मदद करते हैं। कि कालू हर्रिकू वंसुरु आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन, अगर तुमको कुछ करना है तो ऐसा करो। चुनाचे साहब के मशवरे से ये तय हो गया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाना है। तो एक हजीरा, एक चार दीवारी बनाई गई, बहुत बड़ी चार दीवारी, और उसमें सोख्ता और ईंधन लकड़ियां भरी गई। हुकूमत की जानिब से भी हजार हा मन लकड़ी डाली गई और पब्लिक की तरफ से भी उसमें लकड़ियां डाली जा रही हैं। हत्ता के अगर कोई औरत और बूढ़ी औरत और उसका पोता या नवासा बीमार पड़ गए, तो किसी बूढ़ी औरत का पोता नवासा बीमार है तो वो मन्नत मांगती कि अगर मेरा बच्चा अच्छा हो गया तो इब्राहिम को जलाने के लिए इतने मन लकड़ियां उसमें डालूंगी। तो इस तरह से एक महीने तक वो लकड़ियां डालते रहे, एक महीने तक, कि हुकूमत की तरफ से, पब्लिक की तरफ से उसमें लकड़ियां डाली जा रही हैं, लोग मन्नत मान रहे हैं और उसमें लकड़ियां डाल रहे हैं। एक महीने में जाकर वो भर गया, और इतनी मुद्दत तक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नजरबंद रखा, कैद रखा। और जब वो हजीरा चार दीवारी सोख्ता और ईंधन से पुर, तो अब उसमें आग लगाई, इतनी बहुत सी लकड़ियां हो तो आग कैसे, इस कोने में, इस कोने में, हर तरफ से वो आग लगाते। तो एक हफ्ते तक उसको धोंकते रहे, और एक हफ्ते के बाद जाकर उस पूरी लकड़ियों ने आग पकड़ी है, और एक हफ्ते के बाद तो इतनी शदीद आग थी और उसकी लपटें इतनी ऊंची कि परिंदा ऊपर से गुजर नहीं सकता था, और अगर गुजरे तो वो जलकर गर्मी से नीचे गिरे। इतनी शदीद आग, अब सोचा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऐसी आग में झोंक दिया जाए, लेकिन डाले कौन, वो तो इतनी शदीद आग थी, जब इतनी बुलंदी पर जा रही तो वो चारों तरफ भी फैलती थी और हवा के झोंकों से इधर और उधर बढ़ती है, जो डालने के लिए जाए वो खुद जल जाए। तो आप बड़े फिक्रमंद कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऐसी शदीद आग में कौन डाले और किस तरह से डाले। तो शैतान ऐसे वक्त का मुंतजिर रहता है, अगर तुम्हारी समझ में ना आए तो हम समझाएंगे। तो शैतान ने वो तरकीब बतलाई कि देखो सामने जो पहाड़ है, पहाड़ की चोटी पर ले जाओ और वहां मिंजलीक नसब करो,
उसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठाओ और जोर से खींचकर झटका देकर जो फेंकोगे तो वो ऊपर से गिरेंगे आग में, सीधे आग में जाएंगे और तुम वहां महफूज रहोगे और वो अकेले आग में चले जाएंगे। तो ऐसे ही किया कि वो जो सामने पहाड़ था उसकी चोटी पर ले गए और वहां गोपन नसब की गई, मिंदलीक नसब की गई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जायद कपड़े उतार लिए गए और मिंदलीक में जो बिठाया गया है आग में डालने के लिए, पूरी कायनात में तहलका मच गया कि परवरदिगार तेरा खलील आग में डाला जा रहा है। तो पूरी कायनात में, सारी मखलूक में एक तहलका मचा हुआ है, फरिश्ते अपनी जगह पर परेशान हैं। तो अब वो फरिश्ता कि जो पानी के ऊपर मुवक्किल है कि मलकुल मा, कि पूरी दुनिया का पानी उसके कंट्रोल में है, तो वो अब सुबहानहू व तआला की जनाब में हाजिर हुआ। उसने आरज किया कि परवरदिगार तेरा खलील आग में डाला जा रहा है, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इतना पानी बरसाऊं कि सब आग बुझ जाए। तो इब्राहिम की मदद के लिए आप मुझको इजाजत दें। हक ताला ने इरशाद फरमाया कि इब्राहिम मेरा खलील है, मैं उसका खलील हूं, वो अपने दिल की बात अलावा मेरे किसी और से कहेगा नहीं। वैसे अगर तुम जाना चाहो इजाजत है, जाओ। तो अब वो फरिश्ता हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में वहीं ऊपर हाजिर हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिंदलीक में है और कहा कि मैं हूं मलकुल मा, पूरी दुनिया का पानी मेरे कब्जे में है और अगर आप इजाजत दें अभी इतना पानी बरसाओ, इतना पानी कि आग फौरन ठंडी हो जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि पहले तो तुम ये बतलाओ कि ये आग किसकी मशीयत से लगी है, कि अल्लाह की मशीयत से ये आग रोशन हुई है। अच्छा, ये जो मेरे जिस्म पर कुफार ने काबू पा लिया है वो किसकी मशीयत और किसकी कुदरत से, कि अल्लाह की मशीयत। तो कहा कि जब अल्लाह ताला मुझको आग में डालना चाहते हैं और आग में डालकर मुझको जलाना चाहते हैं, मैं अल्लाह का खलील हूं, मैं जल जाना चाहता, तो वो बेचारे नाकाम। और फिर पहुंचा हवा का फरिश्ता अल्लाह की जनाब में और कहा कि तेरा खलील आग में डाला जा रहा है, मुझको इजाजत दे कि मैं इतनी तेज हवा चलाऊं कि सारी आग उड़ाकर कहीं से कहीं और ले जाऊं। अल्लाह ने वही फरमाया, भाई वो मेरा खलील है, अपने दिल की बात अलावा मेरे किसी और से वो नहीं कहेंगे, वैसे आपको इजाजत। तो बहरहाल वो फरिश्ते भी पहुंच गए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं हूं मलकुल हवा, सारी दुनिया की हवा मेरे कब्जे में है, इजाजत दें इतनी तेज हवा चलाओ कि इस आग को उड़ाकर कहीं और ले जाओ। तो वही फरमाया कि पहले ये बताओ कि ये आग किसकी मशीयत से रोशन हुई है, मेरे जिस्म पर कुफार ने जो काबू पा लिया वो किसकी मशीयत से। कहा अल्लाह की मशीयत से, जब अल्लाह की मशीयत है मैं अल्लाह का खलील हूं, वो जलाना चाहता है मैं जल जाना चाहता हूं, वो भी नाकाम। और सबसे आखिर में जिब्रील अलैहिस्सलाम पहुंचे जनाबे बारी में और आरज किया कि परवरदिगार तेरा खलील मुझसे कुछ बेतकल्लुफ है और वो अपने दिल की बात मुझसे कह देंगे, मुझे इजाजत दे।
अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, वो मेरे खलील, मैं उनका खलील, वो अपने दिल की बात अलावा मेरे किसी और से नहीं कहेंगे। वैसे आपको इजाजत, आप जिब्रील अलैहिस्सलाम पहुंच गए वहां, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बस वो गोफन में है और करीब है कि आग में छोड़े जाए, पहुंचे और कहा कि हल्लक मिन हाजती। अजीब अंदाज में सवाल कि हल्लक मिन हाजती, क्या आपको कुछ काम है? तो अगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह दे कि हाँ काम है, आप बतलाइए, मैं तैयार हूं, और अगर कह दे कि नहीं मुझे तो कोई काम नहीं है, तो अब ये शान आबदियत के खिलाफ के बंदा हो और मोहताज न हो, ये कैसे हो सकता है? बंदा तो मोहताज, दोनों तरफ से फंस गए कि अगर कह दें कि हाँ हाजत है तो फौरन कहेंगे आप अपनी हाजत बतलाइए, मैं अभी करने को तैयार हूं, और अगर कह दें कि हाजत नहीं है तो ये शान आबदियत के खिलाफ हो जाएगा। लेकिन वहां भी तो अल्लाह के खलील हैं, हालांकि ऐसे मौके पर अच्छे अच्छे लोगों की अकल सलामत नहीं रहती। इतना बेहतरीन जवाब दिया है, इतना बेहतरीन फरमाया कि अम्मा इलैका फला, अम्मा इलैका फला, इसका तर्जुमा कि हाँ हाजत है लेकिन आपसे नहीं है, इसलिए कि मैं बंदा हूं हाजतमंद हूं लेकिन मुझे आपसे कोई काम नहीं है। अच्छा फिर अल्लाह ही से कहिए। आखिर में जिब्रील अलैहिस्सलाम को यह कहना पड़ा कि अच्छा अल्लाह ही से कहिए, तो फरमाया कि हस्बी मिन सुवाली इल्मुहु बिहाली, कि मैं अल्लाह से उस वक्त कहूं जबकि अल्लाह को खबर ना हो, और अल्लाह तो मेरी हालत को जानते हैं, कहने की क्या जरूरत है। बहरहाल उन लोगों ने मिन दनीक छोड़ी और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिन दनीक में से उड़े और आग में जा रहे हैं, और उधर अल्लाह ने फरमा दिया कि या नारुकूनी बर्दं व सलामन अला इब्राहिम, और पूरी कायनात में तहलका मचा हुआ था, जितनी मखलूक है वो सब अपने अपने तौर से आग बुझाने की कोशिश में, परिंदे भी अपनी चोंच में थोड़ा सा पानी लाकर उसमें डाल रहे थे, मेंढक ने भी चाहा कि मैं इस आग को बुझाऊं, वो बेचारा कहीं तालाब में से पानी लाता उछाल देता चाहे न बुझे। लेकिन जानवरों में एक जानवर है जिसको उर्दू में कहते हैं गिरगिट, वो छिपकली के मुशाबे होता है और मुंह उसका उठा रहता है, दुम जरा लंबी होती है, छिपकली से बड़ी दुम होती है उसकी, रंग भी बदल देता है, तो वो मुंह उठाकर फूंक मार रहा था ताकि आग और भड़के, तो इसलिए उसके मारने में सवाब रखा गया है कि अगर किसी ने एक ही जरब में और एक ही फटके में उसको मार दिया तो 100 नेकियों का सवाब, और 2 जरब में 3 जरब में मारा तो उतना ही सवाब कम हो जाएगा, एक ही जरब में अगर उसको मार दिया, एक फटके में मार दिया तो 100 नेकियों का सवाब। तो बहरहाल जब अल्लाह ने यह फरमाया कि या नारुकूनी बर्दं व सलामन अला इब्राहिम, क्या यार ठंडी हो जा सलामती के साथ इब्राहिम पर, तो वो आग गुलजार बन गई, ठंडी हो गई। कि या नारुकूनी बर्दा, क्या आग ठंडी हो जा, अगर अल्लाह ताला आगे सलामन नहीं फरमाते तो कितनी ठंडी होती, बर्फ से भी ज्यादा ठंडी हो जाती,
और फिर ठंड से तकलीफ पहुंचती, तो फरमा के हां ठंडी हो ना लेकिन इतनी नहीं कि ठंड से तकलीफ पहुंचे, बल्कि सलामती के साथ ठंडी होना। और अगर आगे अल्लाह ताला आला इब्राहिम न फरमाते तो सारी दुनिया की आग हमेशा के लिए ठंडी हो जाती। फरमा के सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उसका असर ये हुआ कि जिन रस्सियों में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जकड़ा गया था, बांधा गया था, वो रस्सियां जल गई लेकिन जिस्म का एक रोंगटा नहीं जला, रस्सियां जल गई। और एक हफ्ते तक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग में रहे, एक हफ्ते रहे, और वहां अल्लाह ताला ने पानी का चश्मा जारी फरमाया। और एक चमन, एक बागीचा अल्लाह ने वहां उगा दिया, किस्म किस्म के वहां फूल निकल आए। और तन्हाई की तकलीफ न हो तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को वहां भेज दिया कि वो उनसे गुफ्तगू करते रहें, बातचीत करते रहें और तन्हाई की तकलीफ न हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो जो एक हफ्ता मैंने आग में गुजारा है, इतने आराम का गुजारा कि जिंदगी में वैसे अय्याम फिर नहीं आए, कि इतने आराम और राहत में मैं वहां रहा हूं। और चूंकि जायद कपड़े उन लोगों ने उतार लिए थे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से एक पैरहन ले आए, जन्नत से एक कुर्ता ले आए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो कुर्ता पहना दिया गया। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो जन्नती कुर्ता पहना और फिर वही कुर्ता हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया। इसने के हजरत याकूब पोते होते हैं तो उनके पास आया तो उन्होंने उस कुर्ते को लपेट कर एक तावीज की तरह से बनाकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गर्दन में डाल दिया था। और जब भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं के अंदर छोड़ दिया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कुर्ता पहने हुए थे, भाइयों ने वो उतार लिया था और उस पर बकरी का खून लगाया था, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वो जो तावीज के तौर से कुर्ता, हालांकि कुर्ता था वो, उसको खोला और वो कुर्ता पहना दिया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। और वही कुर्ता पहने हुए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम किनान से मिस्र पहुंच गए। और फिर वही कुर्ता उनके पास महफूज रहा और एक आरसे के बाद, बरसा बरस के बाद, जब वो ये राज जाहिर हो गया भाइयों पर कि ये यूसुफ हैं जो अब अजीज मिस्र बने हुए हैं, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से कहा कि इज़हबू बिकमीसी हाज़ा फ़अल्कूहू अला वजह अबी याति बसीरा। यह आयत भी आदि पढ़ी गई। तो वही कुर्ता मिस्र से चला और मिस्र से भाई लोग लेकर आ रहे हैं, क्योंकि फरमाया था कि ये कुर्ता मेरे वालिद के ऊपर डाल देना और उनकी बीनाई जो मेरे फिराक में रोते रोते जायल हो गई है, नाबीना हो गए हैं, वो बीना हो जाएगी। तो अब वो कुर्ता मिस्र से चल रहा है और इधर किनान में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम फरमा रहे कि इन्नी लाजिदु रीहा यूसुफ लौला अन तुफन्निदून, कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। तो वो उस पैरहन की खुशबू, तो ये कुर्ता भी अजीब रहा। तो बहरहाल एक हफ्ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग में रहे और सही सलामत निकल आए, बहुत से अफराद ईमान ले आए, लेकिन बादशाह वो तो मुखालिफ है और पब्लिक मुखालिफ है, खानदान वाले मुखालिफ। अपने वालिद को समझाया
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھایا کہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا, کہ ابا جان آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سنے نہ دیکھے نہ کچھ کام. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا, کہ ابا جان شیطان کی پرستش نہ کیجئے اس لیے کہ وہ تو اللہ کا نافرمان ہے. انی قد جاءنی من العلم, کہ میرے پاس علم آیا ہے, آپ میرا اتباع کیجیے, میں آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کروں گا. اور مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ شیطان کا اتباع کرنے لگے تو آپ کو عذاب پہنچ جائے اور آپ شیطان کے ساتھی ہوں. لیکن باپ نے سن کر کیا کہا, کہ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, کہ ابراہیم آیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے, حالانکہ باپ وہ دین حق سے پھرا ہوا, صراط مستقیم سے ہٹا ہوا, لیکن الزام لگاتا ہے وہ اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ اے ابراہیم تو میرے معبودوں سے ہٹا ہوا ہے پھرا ہوا ہے, حالانکہ پھرا ہوا خود ہے, اور الزام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا, اور اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھ کو سنسار کر دوں گا, یا مدت ہائے دراز کے لیے میرے پاس سے تو چلا جا. اب مجبور ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی, قال سلام علیک, اور یہ سلام مفارقت کا ہے, جدائی کا ہے, کہ اچھا ٹھیک ہے اب میں آپ کے پاس سے جا رہا ہوں, ہجرت کر گئے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی, عراق کا جو علاقہ ہے موصل وہ اصل مقام تھا, وہاں سے ہجرت کی اور ملک شام آ گئے, اور ملک شام میں آباد ہو گئے. اللہ نے ان کو بکریاں دی تھیں اور اچھے آرام سے ہیں, بکریے ہیں اور اپنا کام وہاں جاری رکھے ہوئے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بھتیجے ہیں حضرت لوط علیہ السلام, پہلے ایمان لائے اور سفر ہجرت میں وہ ساتھ میں ہیں. تو جب ملک شام پہنچے, اللہ تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبی بنایا اور بھیج دیا قوم لوط کی بستیوں کی طرف. لیکن قوم لوط بہت ہی نافرمان, اب ان پر عذاب کا وقت آ گیا, تو وہ کچھ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے, اور اصل مقصد تو قوم لوط کی بستیوں کو تہ و بالا کرنا تھا. تو وہ واقعہ جو میں نے آیت شروع میں پڑھی کہ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ, کہ ہمارے فرستادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے بشارت لے کر, خوشخبری لے کر, اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جواب دیا. تو بہرحال وہ فرشتے ہی تھے لیکن انسانی شکل و صورت میں آئے, بالکل انسانی شکل و صورت میں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انسان ہی سمجھے کہ یہ انسان ہے اور مہمان ہے, اور مہمان نوازی کا طریقہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاری کیا ہے, اور بغیر مہمان کے کھانا کھاتے نہیں تھے, اور اگر مہمان نہ ہو تو کہیں سے بھی ڈھونڈ کر پکڑ کر لے آتے تھے. تو ایک مرتبہ کھانے کے لیے بیٹھے, کوئی مہمان نہیں ہے, نکل گئے کہ کسی کو ڈھونڈ لوں پکڑ لوں, تو ایک بڑے میاں ہاتھ میں آ گئے کہ چلو میرے ساتھ کھانا کھا لو, اور لا کر بٹھایا اپنے دسترخوان پر اور کہا کہ کہو بسم اللہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ. اس نے کہا کہ میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہوں, نہ جانتا ہوں نہ مانتا ہوں. کبھا گیا
भगा दिया उसको। अल्लाह ने फरमाया कि ये 80 साल का बूढ़ा, मैं 80 साल से इसको खिला रहा हूं और तुम एक वक्त उसको खाना नहीं खिला सके। तो अब एहसास हुआ और फिर दौड़े हुए गए, ढूंढा उसको, खैर वो मिल गया, कह भाई चलो मेरे साथ। उसने कहा मैं नहीं खाऊंगा, पहले ये बताओ कि मुझे बुलाया क्यों और फिर भगाया और फिर बुलाने के लिए आया, आखिर क्या वजह है। तो कहा अल्लाह ने ऐसा फरमाया कि मैं 80 साल से उसको खिला रहा हूं, हालांकि वो कभी मेरा नाम भी नहीं लेता। कि अच्छा वो ऐसा है, उसने मुझे याद किया, उसने मुझे याद किया, तो वाकई वो माबूद बनाने के लायक है, मैं उस पर ईमान लाया। और अब वो मुसलमान होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ में चला आया और अब सही माना में दिल से वो बिस्मिल्लाह कहकर खाना खा रहा। तो मेहमान नवाजी की सुन्नत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कायम की। वो मेहमान आए हैं, फौरन गए और साहब एक भुना हुआ और फरबा बछड़ा ले आए। इसने घर में वही जानवर पले हुए थे, तो एक बछड़ा था और फरबा था मोटा, उसको सिबाह किया और भून कर लाकर मेहमानों के सामने रख दिया। तो इससे ये भी मालूम हुआ कि मेहमान नवाजी में ताखीर नहीं करनी चाहिए, बल्कि फिलफौर जो भी बंदोबस्त हो सकता हो वो कर दिया जाए। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मेहमानों से ये भी नहीं पूछा कि आपको क्या चलेगा, हाँ भाई ठंडा चलेगा गर्म चलेगा, और अगर पूछ लेते वो पहले ही बतला देते ना गर्म चलेगा ना ठंडा चलेगा, हम तो कुछ खाते ही नहीं है। तो ये पूछा नहीं, इसलिए कि ये तो पूछना मेहमान नवाजी के खिलाफ है, उस बेचारे मेहमान को बेहया बनाना है। बेहया होगा तो कह देगा कि हाँ भाई ठंडा ले आओ गर्म ले आओ, वरना अगर कोई हया वाला होगा तो भाई मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसलिए कुछ पूछा नहीं, और जो कुछ भी वो हाजिर कर सकते थे वो हाजिर कर दिया। فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم, جب دیکھا لگے دسترخوان بچھا ہوا ہے کھانا رکھا ہوا لیکن مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھتے نہیں, تو اب دل میں خوف محسوس کیا کہ یہ مہمان کھا کیوں نہیں رہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کھانا رکھ کر آپ فارغ نہ ہو جائیں, बल्कि ये भी देखे कि मेहमान खा रहा है या नहीं खा रहा और कौन सी चीज उसके पास है और कौन सी चीज खत्म हो गई है। लेकिन देखें तो उचटती हुई निगाह से देखें, घूर कर न देखें, वरना वो कहेगा ओ यहां तो मेरे लुकमे गिने जा रहे हैं, तो वो खाने में फिर घबराएगा और बेतकल्लुफी से नहीं खाएगा। जैसे एक वाकया लिखा है कि खुलफाए बनू उमैया में खलीफा हिशाम इब्न अब्दुल मलिक, उसका एक अरबी मेहमान हो गया देहाती, तो वो हिशाम इब्न अब्दुल मलिक ने उसके लिए दस्तरखान बिछवाया, खाना मंगवाया और अरबी से भाई खा लो, वो अरबी खा रहा है। तो हिशाम ने कहा कि वो देखिए आपके लुकमे में बाल है, तो हालांकि वो अरबी देहाती खड़ा हो गया कि मेरे लुकमे का बाल आपको नजर आ गया, इसका मतलब ये हो कि आप मेरे लुकमों को गिन रहे, मैं किसी ऐसे शख्स का खाना नहीं खाता जो मेरे लुकमों को गिने और तके। वो तो उठ के चला ही गया, तो उचटती हुई निगाह से देखने कौन सी चीज मौजूद है और कौन सी चीज खत्म हुई है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने महसूस कर लिया कि मेहमानों के हाथ खाने की तरफ नहीं बढ़ रहे, तो खौफ महसूस किया कि नहीं बुरे इरादे से ना आया हो, और शायद यहीं से वो मुहावरा चला है कि भाई नमक हरामी नहीं करेंगे, अगर नमक खा लिया तो फिर नमक हरामी नहीं करने की है, तो ये नमक क्यों नहीं खा रहा है, कहीं बुरे इरादे से तो नहीं आए हैं। तो फिर उन फरिश्तों ने जाहिर कर दिया कि भाई हम तो खाना खाते ही नहीं, हम तो फरिश्ते हैं।
कि कालू लात इन्ना उर्सिलना इला कौम लूत, हमको तो कौम लूत की तरफ भेजा गया है कौम लूत को तबाह करने के लिए। तो अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो अहलिया हजरत सारा पर्दे में थी वो बाहर आ गई कि ये तो इंसान तो है ही नहीं कि जिनसे पर्दा किया जाए, ये तो फरिश्ते हैं। तो वो सामने आ गई तो आप फरिश्तों ने कहा कि देखिए अल्लाह ताला ने हमें आपके पास खुशखबरी देकर भी भेजा है कि आपके यहां एक लड़का तवल्लुद होगा इसहाक, और वो जवान होंगे, फिर उनकी शादी होगी, उनके यहां एक पोता आपके यहां पोता आएगा याकूब, वहां तक भी आप दुनिया में जिंदा रहेंगे, तो आपके यहां बेटा आएगा और बेटे के यहां बेटा आएगा, यानी आप बेटे और पोते दोनों को देखेंगे। तो अब हजरत सारा वो और हैरान के आलिद बाली शैखा इन्नाजीब, क्या आया मेरे यहां बच्चा होगा हालांकि मैं बूढ़ी और बांझ, कि जब मैं जवान थी उस वक्त तो मेरे औलाद हुई नहीं और अब तो मैं बूढ़ी हूं और ये मेरे शौहर बिल्कुल बूढ़े, तो औलाद कैसे होगी। قالوا وتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد। तो फरिश्तों ने कहा कि तुम तो खानदान नबूवत में हो और तुम तो रात दिन अल्लाह ताला के मौजज़ात को और अल्लाह ताला की कुदरत का मुशाहिदा करती रहती हो, ताज्जुब क्यों करती हो, अल्लाह के यहां बुढ़ापे में औलाद देना कौन सा मुश्किल काम है, तुम्हारे घराने पर तो अल्लाह ताला की रहमतें हैं, इसलिए कोई ताज्जुब की बात नहीं कि अल्लाह ताला इसी बुढ़ापे में औलाद देने पर कादिर है। चुनाचे उनके यहां हजरत इसहाक हुए और हजरत इसहाक जवान हुए और शादी हुई और फिर उनके यहां याकूब पैदा हुए। तो ये वाकया अल्लाह ताला ने बतलाया कि देखो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किन मुश्किल मराहिल से गुजारा गया, कैसी कैसी आजमाइशें उनकी हुई और हर आजमाइश में वो पूरे उतरे कि तनहा सब के मुकाबले में खड़े हो गए। फिर कहा गया वतन छोड़ो, वतन की कुर्बानी पेश कर दी, अपना वतन छोड़ दिया। और फिर कहा गया कि अपनी जो दूसरी बीवी हजरत हाजरा और जिनसे इस्माइल पैदा हुए उन्हें छोड़ाओ, बिल्कुल बेआबू गया एक मैदान में छोड़ाओ, वादी गैर जी जरा में छोड़ाओ। तैयार हो गए और साहब ऊंट पर सवार कर लिया हजरत हाजरा को, और उनकी गोद में इस्माइल है और जहां अब चाहे जमजम है वहां लाकर बिठा दिया, और बिठाया अल्लाह का हुक्म कि दोनों को यहीं छोड़कर तुम अपने वतन वापस चले जाओ। जा रहे हैं और बीवी पुकार रही है कि इस जंगल में किसके भरोसे पर आप हमको छोड़े जा रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देते। उनको खुद ख्याल आया कि अल्लाह अमरा कबिहाजा, कि आया अल्लाह ताला ने आपको यह हुक्म दिया है कि आप मुझे और मेरे मासूम बच्चे को, शीरखार बच्चे को इस जंगल में छोड़ दें। तो जुबान से निकला कि नाम अल्लाह का हुक्म है, उनका ईमान भी इतना पुख्ता के फरमाते हैं कि इज़न ला युज़ैउना, कि अल्लाह ताला जाय नहीं फरमाएंगे, आप खुशी से चले जाए। और जब पहुंचे हैं सफा पहाड़ी के मोड़ पर कि वहां से न बीवी नजर आती हैं और न शीर खार, इकलौते फर्जंद थे उस वक्त हजरत इस्माइल, इकलौते फर्जंद बुढ़ापे में, इसलिए कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम 13 साल बड़े हैं हजरत इसहाक से, तो उस वक्त वो अकेले ही थे, इकलौते फर्जंद थे। तो वहां दुआ की कि रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़रअइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलात, ये कुर्बानी पेश की। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जरा बड़े हो गए दौड़ने भागने के लायक, तो हुक्म आया कि साहब छुरी चलाइए, ज़िबह कर दीजिए, हालांकि ख्वाब देखा है और उस ख्वाब के ऊपर अमल करने के लिए तैयार हो गए, जो कुछ भी अपने बस में था वो किया, छुरी चलाई, लेकिन छुरी ने काटा नहीं, गले पर खराश भी नहीं आई,
ये अल्लाह के इख्तियार में है कि जितने भी असबाब ये अल्लाह ने बनाए हैं तो सबब और मुसबब के माबैन तलाजुम है, लेकिन अल्लाह के इख्तियार से कि अल्लाह ने आग को बनाया है जलाने के लिए, लेकिन जब अल्लाह की मशीयत हो जाए आग नहीं जलाएगी। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इतनी शदीद आग में डाला गया कि रस्सियां जल गईं लेकिन जिस्म का एक बाल नहीं जला। इसी तरह से छुरी अगर आप चलाएं वो जरूर काटेगी, लेकिन जब अल्लाह की मशीयत हुई उसने गले के ऊपर खराश भी नहीं डाली और इम्तिहान में वो कामयाब हुए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा कि हमने आपको लोगों का पेशवा बना दिया है। हक सुभानहू व तआला हम सबको उनके तरीके पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إله العالمين ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، إله العالمين ہمارے ایمان کو قوی سے قوی تر فرما، إله العالمين جیسے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایمان دیا تھا، إله العالمين ہمارے ایمان کو ایسا قوی فرما کہ باطل طاقتوں سے ہم بے خوف ہو جائیں، إله العالمين جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سب کے مقابلے میں ڈٹ گئے حق کے لیے قائم ہو گئے، إله العالمين ہم کو بھی اسی طرح سے ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، إله العالمين کسی بھی باطل طاقت کا خوف ہمارے دلوں میں نہ آئے، إله العالمين ہمارے ایمان کو قوی سے قوی تر فرمائے، إله العالمين ہمارے عقائد کو درست فرما دے، ہماری عبادات کو صحیح اور مکمل اور قبول فرما لیں، إله العالمين ہمارے معاملات کو بھی درست فرمائیں اور ہمارے اخلاق کو سنوار دیں، ہمارے اخلاق کو سنوار دیں، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں، جان کی مال کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیں، إله العالمين حفاظت کرنے والے آپ ہیں، إله العالمين آپ ہماری حفاظت فرمائیں، ہر سمت سے اور ہر جہت سے حفاظت فرمائیں، إله العالمين ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیں، ہماری تکالیف کو دور فرمائیں، إله العالمين ہمارے گناہوں کو بخش دیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، إله العالمين إله العالمين شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، إله العالمين ہمارے ظاہر کو ظاہری امراض سے پاک فرمائیں، باطن کو باطنی امراض سے پاک فرمائیں، اور ہمارے سینوں اور دلوں کو اپنی معرفت کے نور سے، ایمان کے نور سے منور فرمائیں، إله العالمين جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، جو جو حاجت مند ہیں اتنا بڑا مجمع إله العالمين سب کی حاجتوں سے آپ خوب واقف ہیں، ہماری جائز حاجتوں اور تمناؤں کو پورا فرما دیں، إله العالمين جو ہماری مشکلات ہیں ہماری مشکلات کو دور فرما دیں، إله العالمين جو ہم میں بیمار ہیں یا ہمارے اعزہ میں یا ہمارے دوستوں میں جو بیمار ہیں إله العالمين ان کو شفا نصیب فرمائیں، اور جنہوں نے کہا ہے إله العالمين ان کے رشتہ داروں کو شفا نصیب فرما دیں، إله العالمين ہمارے بیماروں کو تندرست بنا دیں، شفا نصیب فرمائیں، صحت کاملہ نصیب فرمائیں، إله العالمين جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار بنا دیں،
इलाह العالمین, जिनकी आमदनी कम अखराजात ज्यादा उनकी आमदनी में बरकत इनायत फरमा दे। इलाह العالمین, जो मकरूज हैं उनको कर्जों से सुबुकदोश फरमा दे। इलाह العالمین, इलाह العالمین हमारे हमारी हिफाजत फरमाए, हमारी इज्जत और आबरू की भी हिफाजत फरमाए, हमारे कारोबार की हिफाजत फरमाए, हमारे माल की हिफाजत फरमाए। इलाह العالمین, जो बे औलाद हैं और मुतमन्नी हैं उनको नेक साले औलाद इनायत फरमाए। इलाह العالمین, आपकी कुदरत में है कि आपने बुढ़ापे में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद दी और आपने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद दी। इलाह العالمین, जो मुतमन्नी हैं उनको नेक साले औलाद इनायत फरमाए। इलाह العالمین, जो अपनी औलादों की तरफ से परेशान हैं, उनकी नाफरमानियों की वजह से उनको मुती बना दे, फर्माबरदार बना दे। इलाह العالمین, जो रिश्तों के लिए फिक्रमंद है उनके लिए बेहतरीन रिश्ते इनायत फरमा दे। इलाह العالمین, इलाह العالمین हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा ले। इलाह العالمین, बरज़ख के आज़ाब से बचा ले, आज़ाब कब्र से बचा लें, और हमारी कब्रों को रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्ना बनाएं, जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा न बनाए। इलाह العالمین, महशर की रुसवाई जो बहुत ही खतरनाक होगी, महशर की रुसवाई से बचा लें। इलाह العالمین, महशर की रुसवाई से बचा लें। इलाह العالمین, इलाह العالمین, अपने महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल के हम तेरे महबूब के उम्मती हैं। इलाह العالمین, वहाँ की रुसवाई से बचा लें। इलाह العالمین, जब तेरी अदालत में खड़े होंगे और सारे आमाल का हिसाब देना होगा, इलाह العالمین, आप तो खूब वाकिफ हैं, हमारे आमाल से खूब वाकिफ हैं कि हमने क्या करतूत किए हैं, अपनी जिंदगी किस तरह से बिगाड़ी है। इलाह العالمین, जो आपने अहकाम दिए करने के दिए वो तो हमने नहीं किए, और जिनसे बचने का हुक्म दिया था और आपने हराम करार दिया था, इलाह العالمین, उसके हम मुर्तकिब हुए और हो रहे। इलाह العالمین, हमारे इस जुर्म अजीम को मुआफ फरमा। इलाह العالمین, आप आलीम हैं। इलाह العالمین, आपकी अदालत में खड़ा होना है, आप हमारे आमाल से वाकिफ। किरामन कातिबीन ने कोई अमल छोड़ा नहीं है। इलाह العالمین, जरा सा भी अमल हो, एक जर्रे के बराबर भी अगर नेकी की या बदी की है, इलाह العالمین, किरामन कातिबीन ने उसको लिखा है, वो वहां मौजूद होगी। इलाह العالمین, अगर आपने हमारे आमाल पर मुनाक्षा फरमा लिया और खुर्दगीरी फरमाई तो हम तो उस इम्तिहान में नाकाम हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। इलाह العالمین, फिर हमारा कहाँ ठिकाना होगा, कहाँ जाएंगे। इलाह العالمین, हमारे हाल पर रहम फरमाए, हमारे हाल पर रहम फरमाए। इलाह العالمین, इस वक्त भी तौबा की तौफीक नसीब फरमा दें कि पिछले बुरे आमाल से हम तेरी जनाब में तौबा करते हैं। इलाह العالمین, हमारी सैयाद को मुआफ़ फरमा दें। इलाह العالمین, हमारी सैयाद को मुआफ़ फरमा दें, हमारे गुनाहों को बख्श दें। इलाह العالمین, और जो जिंदगी बाकी रह गई है, इलाह العالمین, अपने अहकाम पर चलने की तौफीक नसीब फरमा दें, अपने अहकाम पर चलने की तौफीक नसीब फरमा दें। इलाह العالمین, जो आपके अवामिर है, इलाह العالمین, उनको बजा लाने की तौफीक नसीब फरमाए। जो नवाही है, जिनसे बचने का आपने हुक्म दिया है, बचने की तौफीक नसीब फरमा दे। इलाह العالمین, ऐसी जिंदगी नसीब फरमाए। इलाह العالمین, जैसे आपने अपने नेक बंदों को अपने रास्ते पर चलाया है, इलाह العالمین, हमारी पेशानियां भी तो आपके ही कब्जे में है। इलाह العالمین, इलाह العالمین, अपने रास्ते पर हमको डाल दे, सिरात मुस्तकीम पर डाल दे। इलाह العالمین, सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक नसीब फरमा दे, सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। इलाह العالمین, हम अपनी मासियतों से हमको रोक दें और अपनी ताअत पर लगा दें, अपना फर्माबरदार बंदा बना लें। इलाह العالمین, आप हमसे राजी और खुश हो जाएं, आप हमसे राजी और खुश हो जाएं। इलाह العالمین, हमारी मासियतों और गुनाहों की वजह से अपने दुश्मनों के सामने जलील न फरमाए। इलाह العالمین, हकीर न फरमाए। इलाह العالمین, हमारी पेशानी आपके कब्जे में है, हमको नेक बना दें, अपना बना लें। इलाह العالمین, हम तो आपके बंदे हैं। इलाह العالمین, हम तो आपकी तौहीद पर ईमान लाए हैं
और आपके आखिरी नबी और आपके महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं, आपकी आखिरी किताब पर ईमान रखते हैं। इलाहल आलमीन, इलाहल आलमीन, इसके तुफेल आप हमको अपना बना लें, इलाहल आलमीन अपना बना लें, हमसे राजी और खुश हो जाएं। इलाहल आलमीन रिजा नसीब फरमा दें, अपनी रिजा नसीब फरमा दें। जहन्नम और उसके आजाब जो बहुत ही सख्त होंगे, इलाहल आलमीन जहन्नम में हमेशा हमेशा के लिए जाना तो है ही बुरा है, बहुत ही बुरा है, लेकिन थोड़ी मुद्दत के लिए, थोड़े अरसे के लिए जाना भी कोई अच्छा नहीं है। इलाहल आलमीन वो भी बुरा है, हमसे आग बर्दाश्त नहीं होगी, दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं होती, तो वो आग जो 69 दर्जे बढ़ी हुई होगी जहन्नम की आग, वो कैसे बर्दाश्त होगी। इलाहल आलमीन जहन्नम की आग को बर्दाश्त करने की हम कमजोरों में ताकत नहीं है, और वहाँ के जो सांप और बिच्छू और एक एक बिच्छू जो खच्चर के बराबर होगा, उसका डसना कहाँ बर्दाश्त होगा। इलाहल आलमीन वहाँ चीखे और पुकारेंगे, लेकिन वहाँ की चीखो पुकार मसमू नहीं होगी, सुनी नहीं जाएगी। इलाहल आलमीन जहन्नम से बचा ले। इलाहल आलमीन इस दुनिया में हम आपसे इल्तिजा करते, जहन्नम से हमको पनाह दे दे, जहन्नम से हमको बचा ले। इलाहल आलमीन जहन्नम से हमको बचा ले। इलाहल आलमीन हम जन्नत के लायक तो नहीं है, लेकिन जहन्नम से आप जरूर बचा ले, जहन्नम से आप हमको निजात दे दें, और जन्नत में जो भी जाएगा वो आपके फजल से जाएगा। इलाहल आलमीन अपना फजल फरमा दे और जन्नत में दाखिले का परवाना दे दे, जन्नत में दाखिल फरमा ले और जन्नत उल्फिरदौस में अपने फजल से आला मकाम नसीब फरमा दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिक।